बिसमीम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं देखिए कैनेडा का टूरिस्ट वीज़ा ये मैंने आ, कुछ अर्सों पहले अप्लाई किया है लेकिन इसकी मैं आपको बहुत डिटेल्स नहीं बताऊंगी कुछ वो बातें बताऊंगी जो मुझे बॉडर कर रही हैं परेशान रही हैं ठीक है, है तो वो चीज़ ये है कि वो इट्स ऑल माई ओपिनियन इफ़ यू थिंक यू 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 फाइंड इट इंफॉर्मेटिव इट्स अप टू यू अदरवाइज़ यू नो यू कैन सी पीपल हु यू थिंक आर मोर यू नो अपील अच्छा देखें मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया ऑनलाइन होता है इसका विजिटर वीज़ा लाइक आई नो पीपल इन कैनिडा बट आई डोंट वॉन्ट एनी बडीज एहसान और इन्विटेशन लेटर समथिंग आई आई नो नथिंग आई वॉन्टेड टू अपलाई जेन्यनली एज ए टूरिस्ट विद नो हेल्प फ्राम एनी पन एनी वन एक्सेप्ट फॉर अल्लाह सो उस पर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया ऑनलाइन ही आप फीस भरते हैं तकरीब अट्ठारह हज़ार बायोमेट्रिक्स की इसकी फ़ी है अलॉन्ग विद वीज़ा अपलिकेशन हो जाए मुझे कोई इतना जाने का शौक़ नहीं है इन कंट्रीज़ में यू के यू एस और ये सारा मैंने सारा अभी करके देखते हैं तो मैंने अप्लाईड इट वॉज ऑनलाइन एंड हुआ क्या चक्कर जो मैं बताना चाह रही हूँ आपने ऑनलाइन इनके पता नहीं कहा क्या सवाल है ये स्नो ये स्नो ये 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 करते करते फीस भर दी जब ऑनलाइन तो आपके पास एक लेटर आता है ई मेल वो कहते हैं कि आप का सबमिशन हो गया आपने फ़ीस भर है अब आपको हमारी जहां हमने आउटसोर्स की है वह यह कंपनी इसको जाके आप इधर इनकी वेबसाइट पे जाके अब आप अपॉइंटमेंट लें तो आप उस वेबसाइट पे जाते हैं जिन्होंने आपको बताई होती है क्योंकि इन्होंने ही उनको चूज़ किया होता है उस वेबसाइट पर आप जाके इंटरव्यू का इंटरव्यू का नहीं सॉरी अपॉइंटमेंट का ताकि आपकी फिंगरप्रिंट्स ले सकें और आ, पिक्चर खिंच सकें उसका अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करते हैं मेरे साथ जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि डेट्स अवेलेबल ही नहीं है अब इनकी जो बताई हुई कंपनी उसकी वेबसाइट पे तो आप जाते हैं पहले वो आपसे कहता है हमारे ऊपर एक अपनी आईडी बनाओ आप उसको आईडी बनाते हैं ठीक है फिर जब आप कैरना के वीजे के लिए अपॉइंटमेंट का कर रहे होते हैं तो आपसे कहता है अपना वो आईआरसी नंबर लिखो जो आपकी कैनेडियन क्यानी, एप्लीकेशन वालों ने आपको दिया है वो ई मेल आई डी लिखो फोन नंबर लिखो अब ये सब डाल के जब क्लिक करते हैं तो कहते हैं अच्छा अब हम आपको वेरीफिकेशन कोड भेज रहे हैं वो क्लिक करो अरे तो जब भी करो तो वो आ ही नहीं रहा अपॉइंटमेंट ना फॉर अगस्त ना सेप्टेम्बर न अक्टूबर तो यार ये क्या फ़ज़ूल है मैंने अब आप एक मुझे बात बताएं कि हम क्या बैठे हर वक्त चेक करते रहेंगे

ये मुसीबत है ना फिर वो आपके आपके लेटर पे लिखा हुआ था यू है, है हम हम खड़े हो जाएंगे नहीं भाई अल्लाह के वास्ते हमारे फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर ले लो तो ये अभी तो है ही नहीं बिल्कुल तो मुझे ये गुस्सा आ रहा था कि यार क्या मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस मेस कोई मर भी नहीं रहा जाने के लिए मतलब मैं तो नहीं मरी क्योंकि मैं पचास बार नहीं चेक कर सकती फिर मैं जब रिफंड प्रोसेस का चेक कर रही थी वो इतना मैंने डेप्थ में चेक तो अभी नहीं किया लेकिन क्योंकि यार मैं नहीं कर सकती है बार 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 बार, बार, बार नो स्लॉट्स नो स्लॉट्स नो स्लॉट्स नो फॉर अगस्त सितंबर अक्टूबर अरे नवंबर में जाके क्या दूंगा अगर उसमें है मैंने चेक भी नहीं किया उसका और लाहौर में भी नहीं कराची में भी नहीं इस्लामाबाद में भी नहीं अरे यार ये क्या हो रहा है तो आई डोंट नो आई एम लाइक आई डोंट लाइक ऑल दिस आई डोंट नो मे बी आई अप्लाई फॉर रिफंड अगर उसमें रिफंड का है ऑप्शन आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं कैनेडा ये ईमेल करूं कि भाई ये क्या हो रहा है ये सब हम नहीं बार बार चेक कर लेकिन उसमें वो उनकी जो सी आई सी की जो वेबसाइट है उस पर वो ऑप्शन जो थी कि आप कंप्लेंट अगर करनी है तो उस पर उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमारी किसी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी वी ए सी की कंप्लेंट हमें मत भेजना है इस तो मैं क्या अपने पड़ोसी को जाकर बताऊँ कि अरे भाई दरवाज़ा खोलो तो मैं पता है ये सब हो रहा है तो आई डोंट नो हैपनिंग बहरल मैं खुश नहीं हूँ इस सबसे अभी देखें अगर रिफंड का शायद मैं अप्लाई करूँ आई डोंट नो